पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर में पेंशन अदालत का आयोजन शुक्रवार को रेलवे अधिकारी क्लब में अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी एलबी राय, प्रधान वित्तीय सलाहकार एनपी पांडे, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी संत जैन मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आयोजित पेंशन अदालत में रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी पेंशन विसंगतियों को लेकर पेंशन अदालत में पहुंचे थे, जहां पर उनकी समस्याओं को पेंशन अदालत में मौजूद अधिकारियों ने सुना और उनका निस्तारण भी किया। पेंशन अदालत में सातवें वेतन आयोग के रिविजन के बाद पेंशनधारियों को पीपीओ दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेलवे बोर्ड तक और उसका मामूली सी बात है तो हमारे ख्याल से 1000-2000 रुपए से ज्यादा की भुगतान नहीं होगी, वो भी एक स्वाभिमान मुझे लगता है। तो अगर ऐसी बात है और सच्चाई है तो उसको दे देने में कोई हमको लगता है कि वहां ईओ नहीं आनी चाहिए, अगर है तो दिया जाना चाहिए। मैं पीएफए महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। आदरणीय पदाधिकारी हैं और हमारे पुराने सीनियर सिटीजन साथी, मैं आप सभी का इस पेंशन अदालत में स्वागत करता हूं। अभी नवीन मिश्रा जी ने जो बात कही उसको भी आगे कहा, उसमें बड़े टिपिकल केसेज भी थे। मैं कल इसको रिव्यू कर रहा था, मैंने देखा कि अधिकतर मामले बहुत सिंपल हैं और उनमें अधिकतर का निपटारा हो चुका है। कुछ जो हमारे साथी हैं मैंने नहीं देखा है कि क्या है, ये कई केसेज में मैंने देखा कि वो हर पेंशन अदालत में आते हैं और वही मुद्दा उठाते हैं, प्रशासन उनको वही जवाब देता है। शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप है, वो समझ नहीं पाए अपने ग्रीवांस के वाले के नहीं आए, क्योंकि जो अगर मान्य होगा तो उसको हम लोग अवश्य देखेंगे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बस बताना चाहूँगा, पेंशन रिविजन का जो काम था सर सीपीसी का, हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन बहुत हर्ष का विषय है। मैं संबंधित जितने हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको बधाई देता हूँ कि हमने करीब 100% रिविजन। आज जो है पेंशन अदालत में अध्यक्षता माननीय अपर महाप्रबंधक महोदय श्री आनंद प्रकाश जी के नेतृत्व में पेंशन अदालत लगाई गई, जिसमें कुल 33 आवेदन मुख्यालय से प्राप्त हुए, जिनमें से 12 में रिवाइज्ड पीपीओ जारी कर दिया गया और 3 मामले में भुगतान कर दिया गया है। 1 मामले में जो है बैंक को निर्देश दिया गया है, 3 में भुगतान प्रक्रियाधीन है, 7 मामले में उनका क्लेम सही नहीं पाया गया और 4 मामले पार्टी अकाउंट पर हैं, 3 मामलों को रेलवे बोर्ड को प्रेषित किया गया। तो कुल 33 आवेदन मिले थे जिनको इस प्रकार से निपटारा जिनका किया गया।